हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने सीसेट पेपर का एनालिसिस किया था कि कौन सा पेपर डिफिकल्ट है, कौन सा पोर्शन आपका पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जीएस पेपर फर्स्ट 2023 का पीटी का, जो 2023 में आया था, और ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि कौन सा पेपर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, यानी 2024 का स्ट्रेटेजी समझ लो इस वीडियो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2023 पेपर में और 2022 में भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स एड ऑन हुए हैं जो पहले नहीं आते थे, जैसे आईआर से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते थे, सिक्योरिटी से नहीं मिलते थे, पर इस बार बहुत ही ज़्यादा मिले हैं। और इस बार ये बदला हुआ है कि जो ऑप्शन, जैसा कि सब लोगों ने बोला कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन जो था उसको यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया, इसलिए अब जो 24 में होने वाला पेपर है उसके लिए क्या करें। तो देखिए, क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम था, जो 22, 21, 20 वाला जो लेवल था ना सेम था, बट क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाने से बच्चों का थोड़ा सा वहाँ पे पेपर अच्छा नहीं गया। तो क्वेश्चन कैसे आया था, जैसे स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बहुत ही कम कर दिया गया। पहले स्पेक्ट्रम से 10 से तो कम नहीं आता था, पर इस बार 2, 3, 4 देखने को मिले हैं। और पॉलिटी से लगभग ठीक थे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। स्पोर्ट्स से पहले नहीं आता था, स्पोर्ट्स से पूछने लगे हैं। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया है। तो चलिए देखते हैं, यानी पैटर्न जो है पहले ये पूछा जाता था, अब इस बार जो है इतना पूछा है। जैसे ये है ना कि सेट ए का ये पैटर्न है। सेट ए में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक ज्योग्राफी पूछा है, और 11 से 20 तक एनवायरमेंट, और 21 से 30 तक इकोनॉमिक्स, 31 से 40 तक पॉलिटी, 41 से 50 तक हिस्ट्री। इसी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर दिया है, यानी आर्ट एंड कल्चर भी है इधर, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ दिया है, और आपका इधर ये सारी चीज़ें यहाँ तो पूरा मिक्स कर दिया है 91 से 100 के बीच में, यानी 60 तक आपको सेपरेट मिला है। अब सेट ए यदि आपको मिला होगा तो बनाने में आसानी पड़ेगा, बट इधर कभी इन्वायरमेंट बनाओ, कभी इकोनॉमिक्स बनाओ, ये सारी चीज़ें। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार जो है ना ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन लगभग पूछा है, और आपका पॉलिटिक्स से 12 क्वेश्चन। मॉडरेट का मतलब ईजी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का पेपर था ज्योग्राफी का। पॉलिटी का आप इजी समझ सकते हो, क्योंकि जो भी है सो लक्ष्मीकांत से ही पूछा जाता है, इसलिए इसको टफ नहीं बोलेंगे। कुछ क्वेश्चन टफ थे, जैसे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन वाला था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, जब तक वो आप नहीं जानेंगे हर एक स्टेट का विधायक का कितने वोट थे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट उसको बोल सकते हो। इकोनॉमिक्स मॉडरेट पेपर कहेंगे, 15 क्वेश्चन थे, करंट बेस्ड था। इन्वायरमेंट से 7 क्वेश्चन थे, इजी थे, ज़्यादा मतलब बुक्स से थे डायरेक्ट, जैसे गिलहरी वाला था, आपका पर्णपाती पेड़ वाला था, ये सारे प्रश्न। इकोलॉजी से भी मॉडरेट लेवल के थे। एशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री से इस पर बहुत ज़्यादा पूछा गया, जो पहले पूछे जाते थे 3-4, इस पर 11 क्वेश्चन पूछे हैं। बौद्ध धर्म है और ये जो है ना, इससे 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हैं। तो पैटर्न जो है ना, यूपीएससी अनप्रडिक्टेबल जो बोला जाता है, रियली में ये अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या पूछने वाला है, इसलिए आपको अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस एंड टेक से 8 क्वेश्चन आए थे, हाई लेवल के आए थे। हाई लेवल इसलिए कि ये ज़्यादा मतलब ये था, करंट वेस्ट था, और प्लस में ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था। मैप से 2 क्वेश्चन थे, जो रशिया यूक्रेन का वार है ना, यूक्रेन के नेबर कंट्री कौन कौन है वो पूछा गया था। स्पोर्ट्स से जो हार्ड क्वेश्चन था, 6 कंट्री थे जिसमें से 2 कंट्री नहीं थे, और ऑप्शन भी उसी तरीका था नया वाला पैटर्न पे। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन मॉडरेट बोलेंगे, क्योंकि जो पढ़ेगा उसके लिए आसानी था, एक पुरस्कार से था, एक कुछ और था। करंट अफेयर बेस्ट 45 क्वेश्चन है, इसमें सारे फैक्टर्स में रहेंगे। सेपरेट क्वेश्चन तो होता नहीं है करंट अफेयर का, कहीं ना कहीं किसी न किसी से लिंक रहता ही है। आईआर से 6 क्वेश्चन थे, और सिक्योरिटी से 3 क्वेश्चन था। सोच लीजिए, ये मैप तो आता ही है ज्योग्राफी में, स्पोर्ट्स, आईआर और सिक्योरिटी, ये 3 फैक्टर ऐड हुए हैं। पहले मॉडर्न सिर्फ पढ़ा जाता था, मेडिवल कोई पढ़ता भी नहीं था। एशियंट एक आध क्वेश्चन वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिए तो हो गया, एशियंट भी, मॉडर्न ज़्यादा पढ़ते थे। अब देखिए, तीनों को पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से, और इधर आईआर सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। होम गार्ड से पूछा था, होम गार्ड जो कभी नहीं पूछा गया था प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न इस बार आया है। यानी प्रश्नों की लेवल की बात करें तो आप बोल सकते हो इजी क्वेश्चन 30 थे, मॉडरेट क्वेश्चन 50 थे, और हार्ड क्वेश्चन के कैटेगरी में, डिफिकल्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में आप 20 क्वेश्चन को रख सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो ये मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट टू हाई, यानी जीएस सीसेट भी उसी लेवल का था, और जीएस पेपर फर्स्ट भी उसी लेवल का है, मॉडरेट टू हाई। और यूपीएससी तो भाई हाई रहेगा ही, क्योंकि यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो आसान कैसे कहलाएगा। तो ये था, और पिछले साल की तुलना करें तो मैं पिछले साल का ये सारे जितना भी बनाया हूँ, हर एक क्वेश्चन को मैं देखा हूँ, उसके ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखा हूँ, उसके बाद मैं बताया हूँ कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। मतलब ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को देखा हूँ, बारीकी से पढ़ा हूँ, अंडरलाइन किया हूँ, तब जाकर आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार मेरा एनालिसिस का जो है पिछले 4-5 सालों का है। जैसे सीसेट में मैं आपको बताया कि आपको पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम देख लीजिए, सीसेट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप देखिए, ये जो है
पीटी के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये जो टॉपिक है ना ये सब टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो पीटी में इस टॉपिक से एवं नहीं आता, पिछले 5 सालों का कवर किया हुआ है कि साइंस टेक में क्या क्या पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर जो भी है पढ़ना पड़ेगा, और एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना चाहिए, और स्पेक्ट्रम से क्या क्या पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि पहले क्या पूछा जाता था, ये रहा पीटी जीएस पेपर का 2022 से, आप देख सकते हो ये 2022 का पेपर है कि पहले पॉलिटी से ये रहता था, इकोनॉमिक्स से, एनवायरमेंट से, ज्योग्राफी से, पिछले साल भी 20 प्लस आए थे क्वेश्चन, साइंस एंड टेक जो बायोलॉजी इसमें इंक्लूड है, स्पेक्ट्रम से 3 क्वेश्चन थे पिछले बार भी, इस बार भी 2-3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एशियंट और मेडिवल से 10 प्लस थे लेकिन इस बार 15 प्लस पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले साल की तुलना में सिमिलर क्वेश्चन थे, पर पैटर्न जो है ना ऑप्शन का इनोवेशन मेथड नहीं लगा, वो थोड़ा सा बहुत बड़ा चेंजिंग था जो हर एक क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाओगे। इनोवेशन मेथड से ये फायदा होता था कि कोई क्वेश्चन आपका एक भी आ रहा है तो उससे आप वो क्वेश्चन को आप डील कर सकते थे, 3 क्वेश्चन को 3 ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते थे, पर अब क्या है ना कि तीनों के तीनों आपको जानना बहुत जरूरी है। पूर्व धारणा पहले भी पूछा जाता था निष्कर्ष और इस टाइप का, लेकिन इस बार जो है ना सीसेट पेपर में बहुत ही बदलाव किया गया है। देखिए यह है दौर, यह है 2020 का जो पॉलिटी से 15, इकोनॉमिक से, ज्योग्राफी से 15 प्लस हमेशा। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में क्या कन्फ्यूजन होता है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और ज्योग्राफी तीनों लगभग सिमिलर सब्जेक्ट हैं, जिसके कारण आप बता नहीं सकते हो कि ज्योग्राफी में इसको डालें या इन्वायरमेंट में डालें या इकोलॉजी में डालें, इसलिए 15 प्लस कहीं ना कहीं इसमें आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों तीनों सारे इसमें हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपको सीसेट और जीएस पेपर को तैयारी करना है। जीएस पेपर के लिए आपको मोस्टली यहाँ पे मैं स्टार बेस्ड बनाया हूँ कि आपको ज्योग्राफी और मैप को 5 स्टार यानी पूरा डेफिनेटली पढ़ना है, रिवीजन करना है, इन्वायरमेंट को भी और इकोलॉजी को भी। इससे आपको 25 प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 में से। ठीक है, और आपका सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन जो आता है उसमें भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, आपका पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट मेंस का उसमें, और जीएस पेपर थर्ड उसमें हेल्प करेगा। यदि इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में भी इसी फैक्टर, इसी मतलब सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बहुत छोटा छोटा सब्जेक्ट है ये पॉलिटी की तुलना में। ये टोटल पॉलिटी पढ़िए, आप तीनों पढ़ें बराबर होगा, और पॉलिटी भी अपने आप को फैक्टर है क्योंकि इससे भी बहुत सारे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम, यानी आपका पीटी में बात करें, आपका जीएस पेपर फर्स्ट में बात करें। ठीक है, उसी तरीका से जीएस पेपर टू में ये पूछा जाता है। ठीक है, और इंटरव्यू में तो पूछे जाएगा यदि आप निकाल लेते हो तो मेंस। इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, आपको करंट अफेयर ज़्यादा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, और इसको भी 5 स्टार कह सकते हैं। एशियंट और मेडिवल और स्पेक्ट्रम इसको 3-4-5 पढ़ना जरूरी है, और साइंस एंड टेक जितना 1-2 बार पढ़ें, नहीं तो ये कहां से पूछ देगा पता नहीं चलेगा। आईआर सिक्योरिटी भी आप कितना पढ़ेंगे, जैसे स्पोर्ट्स में कितना पढ़ें, 2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, उसके लिए पूरा मैं कितना टाइम वेस्ट करूँगा, जितना इधर टाइम वेस्ट करूँगा उधर इतना कवर कर लूँगा। और इसमें फिक्स हैं टॉपिक्स वगैरह, नदी, तालाब, पहाड़ी, ये सारी चीज़ें पढ़ना होता है, और इसमें फिक्स नहीं है, बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे पुरस्कार हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे रूल्स एंड नियम हैं। इसमें सिक्योरिटी में क्या पूछ देगा, साइंस एंड टेक से सिक्योरिटी में कवर हो जाएगा, आईआर कितना पड़ेगा, डेली नए नए आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हाँ, जो ज़्यादा फेमस है, जैसे अभी की बात करें तो अभी मणिपुर में जो भी चल रहा है उसको कवर कर लेंगे, वो आईआर में आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है जीएस पेपर फर्स्ट के लिए। तो आप बहुत ही अच्छा तरीके से 2024 का आप पीटी क्वालिफाई कर सकते हो, और सीसेट की मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं मैथ और रीजनिंग का सीरीज जो मैं छोड़ दिया हूँ उसको लाऊंगा, और 2024 को आपको अच्छा तरीका से हेल्प करेगा मेरे सारे वीडियो, स्ट्रैटेजी, और कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का।